हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज हम जो ब्लॉग बनाएंगे वो मेरे जो गांव है उससे 5-10 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे एक बहुत ही फेमस बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़ है। इन्हें जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लोगों ने लिखा हुआ है एशिया का सबसे बड़ा वृक्ष। हालांकि सबसे बड़ा तो नहीं है एशिया का, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा है। और ये अभी जो पर्यावरण दिवस था उस दिन मैंने पेपर में पढ़ा, तब जाके मुझे पता चला कि हमारे गांव से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक शानदार और इतना पुराना बरगद का पेड़ है। तो चलिए आज हम इसी पे ब्लॉग बनाते हैं और आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, जो आप दोनों अपनी सेल्फी लेने में बिजी हैं और एक भाई साहब ऊपर बैठे हुए हैं। हम लोग देखेंगे कि ये जो पेड़ है बरगद का पेड़ होता है, इसका जो स्पेसिफिकेशन ये होता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो पेड़ से ऊपर से नीचे आती हैं और वो एक ही पेड़ से बहुत सारे पेड़ बनते जाते हैं। तो इसकी यही खासियत है, तो ये एक पेड़ लेकिन आपको देखने में लगेगा कि बहुत सारे हैं और ये बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। तो हम इसको पूरे पेड़ का आपको दीदार कराएंगे, है ना। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपना बचपन से लेके संसार यहीं गुजार दिए, लेकिन आपको ये पता ही नहीं था कि अपने गांव के पास में इतना बड़ा जो फेमस वृक्ष है जिसका नाम बट वृक्ष है, जो एशिया का जो बोर्ड लगा हुआ है आपने देखा है जैसा कि, पर वो है नहीं है एशिया का, अपन मानते नहीं है मगर वो है। तो मतलब वो कहने वाली बात हो गई कि क्या कहते हैं उसे, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली लाइन हो गई है यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हैं अगर कहीं भी गांव में कोई वृक्ष हो पेड़ हो तो जो बहुत फेमस होते हैं तो उनके आजू बाजू में क्या होता है, वहीं पे एक मंदिर वगैरह होते हैं जहाँ पे गांव की मान्यताओं के हिसाब से भी कुछ होता है। तो वो सब ऐसे यहाँ पे मंदिर है तो वो हम वो बाद में करेंगे। वैसे ही बट वृक्ष हमारे हिंदू माइथोलॉजी में वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसलिए भी वैसे भी हम लोग इसको पूजते ही है, प्रकृति पूजा करते ही है। तो आप देख सकते कितना बड़ा है कि आप पूरा पेड़ आप देख सकते हैं, छोटी चिड़िया कहाँ है नहीं देख पा रही वो यार, अब इतना कैसे दिखा दे यार। चलो दिखा देते हैं, कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब हमें तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो कैंपस है, ये पूरा कैंपस ये पूरा पेड़ एक ही पेड़ है, ये पूरा कैंपस है। और आप यहाँ पर बहुत सारे मोर हैं जो आवाज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की जड़ें होती हैं जो बाद में क्या करती हैं, धीरे धीरे वापस से पुनः पेड़ के रूप में आ जाती है, पुनः पेड़ के रूप में पुनः, बहुत बढ़िया बात है पुनः। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये, इसकी कुछ इस तरीके से इनकी शुरुआत होती है और फिर ये इस तरीके से आना चालू होते हैं। ये हमारे पर्यावरणविद श्री शुभम राजपूत बताते हुए, और ये हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और आप देखते जाएंगे कि ये कितना बड़ा पेड़ है घर जैसा, और इसकी वजह से इतनी सारी हरियाली भी हो गई है कि जनरली जो होती नहीं है जिसको हम मिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी हरियाली है, मुलक ज्यादा हरियाली है, मतलब कहने की बात ये है। और ये पेड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अकेला ही पेड़ इतना कुछ समेट के रखा हुआ है इसने अपने आप में। ये फिर से आप देख सकते हैं इसकी ये वाली जो जड़ें जा रही हैं, ये फिर से कनेक्ट होंगी इससे अर्थ से और फिर से इसको, और ये पीली वाली जड़ें आएंगी ये वाली पास। क्या आप बताएं फिर से, नहीं है ये अभी थोड़ा जैसे अंकुरित होते जाएंगे बढ़ती जाएंगे और कठोर रूप ले लेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, ये तुम्हें कैसे पता वैसे? ये बट वृक्ष है, इसके लिए अपन कहीं भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, गूगल कर। अच्छा, इसको आप विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, हम लोग फेक नहीं रहे। तो अगर इसको लग रहा हो कि भाई फेक रहे हैं तो प्लीज गूगल पे सर्च कर लें, आपको सबके पता चल जाएगा इसमें क्या है क्या नहीं है, कहाँ से कितना है, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। अब आप देख सकते हैं हम इतने दूर तक पैदल चल के आ गए लेकिन ये अभी तक भी खत्म नहीं हुआ। अभी आप देखो पूरे चौतरफा, मैं स्क्रीन घुमा देता हूँ, आप देखेंगे पूरी तरफ चारों तरफ पूरा पेड़ी पेड़ पेड़ी पेड़ी, ये पीछे चिनप्स करते हुए। तो ये हम और आगे देख लेते हैं पेड़, इस पे क्या लटक सकते हो तुम, झूल सकते हो, झूल लो फिर। ये देखो बिना नीचे किसी भी चीज के ये बिल्कुल आप भरा है। वाओ, और भी ऊपर देख सकते हैं हम यहाँ पे जो है बाजू में ही इसके ही जस्ट बाजू में एक नाला टाइप का, ये नदी नहीं है,
तो लेकिन इसके बाद में यहाँ पे बारिश के टाइम पे ही पानी रहता है, और इससे क्या है, ये भी एक इसके लिए प्लस पॉइंट रहा कि इसको सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इसमें पानी की कोई कमी नहीं रही होगी, तो इस वजह से ये पीछे से पूरा पानी इस तरह बहुत लंबा है। ये नहर टाइप का है, मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये बहुत दूर तक जा रहा है आगे एक, तो ये इस वजह से ये शायद ये सर्वाइवल का इसका वो ऑप्शन रहा होगा कि इसकी वजह से यहाँ पे इतनी ग्रीनरी मेंटेन करके रखी हुई है। और अभी भी ये हुआ नहीं है कंप्लीट, ये बहुत ज़्यादा है, चूँकि अब हम देख सकते हैं कि आप चले जा रहे हैं हम लोग, और अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। और ये हमारे संजीव भाई, ये देखो वापस से, मतलब यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बंदरों को हम मिस कर रहे हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ा ग्रीनरी प्लेस है इतना, तो यहाँ पे बंदर नहीं है, तो इन्होंने कहा कि हम उसकी कमी पूरा करें। और ये आ गए यहाँ पे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे क्या सिस्टम है और वहाँ पे उन्होंने क्या करके रखा है, तो हम उस चीज़ को देखेंगे। अभी तो ये और भी बड़ा है, आप देखते जाएं, ये देखो इसने ऐसे झाड़ बना के रखा पूरा प्लेस, तब जैसे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा पूजा होती है, तो देखो यहाँ पे पूजा का प्लेस है, वैसे बट सावित्री वृक्ष कहते हैं ना, तो ये यहाँ पे पूजा होती है, लोग यहाँ पे अपनी मन्नत के लिए ये धागा बांधते और पूजा भी होती है। अब जो भी जिन लोगों को जानकारी ये जाता है वो समझ सकते हैं कि यहाँ पे जनरली पूजा का प्लेस है। ये बाजू में ये मंदिर बना हुआ है, और एक इसकी दुख भरी दास्तान हम ये समझ सकते हैं कि ये पेड़ थोड़ा सा टूट भी चुका है, देखेंगे आप, ये पड़ा है बाजू में टूटा हुआ। अब ये क्यों टूट गया, क्या है, हो सकता है बारिश की वजह से टूट गया हो। चलो जलपान कर लेते हैं, अब जलपान हो कर जलपान कर रहे हैं हमारे संजीव भाई और शुभम भाई, नल चला।